भाई काल भी देखें क्या हुआ है। मैं तैयार भी हो चुका हूँ। चावल डलने वाले और मेरी ईद होने वाली है। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे और ये सारे स्टिचेस हमने जो है खुलवाए थे। मम्मा चीखी भी थी बहुत ज्यादा। चेक करें जी, खड़ा होकर देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और ये है सिंधी और आप कर सरप्राइज है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे और ये सारे स्टिचेस हमने जो है खुलवाए थे। मम्मा चीखी भी थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने इतना डॉक्टर ने इतना याद नहीं किया। उसने एक टांग खींच लिया था 2 मिनट का काम था। चेक करा के फिर हम लोग घर आए। अम्मी की तरफ भी गई थी। अभी हैदर जो है थोड़ा सा नाराज भी हुआ, इसे टांट पड़ी है तभी ये यूं खफा हो गया। ये हंस रहा है अभी, ड्रामे कर रहा है। कार से बाहर हुआ है अपनी, और कोई मतलब नहीं है। इसे मार पड़ेगी ना, ट्यूनिंग होगी फिर ठीक हो जाएगा। वैसे अभी जब मैं नीचे आया हूँ, सैन ने अभी इंटर ऊपर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। मैं भी नीचे आया हूँ आज। शुक्र है धूप बहुत अच्छी है यार, मुझे मज़ा आ रहा है आज धूप है इसलिए। वैसे गर्मी आ गई है, मैं रात को हमेशा शॉर्ट पहन के फिरता हूँ। ये देखें अभी नहीं पहनी, वैसे मैं शॉर्ट पहन के फिरता हूँ। मैंने पैंट पहनी है, तुम लोगों को पता है। वैसे आज बहुत कोई एक्स्ट्रा गर्मी हो गई है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है जाके कुछ 6-6 बार जाके ठंडे पानी से नहाऊं। इतनी गर्मी है यार आज। चुप कर बे कुत्ते, पता नहीं आप लोगों को गर्मी लगती है कि नहीं। तो अभी जो है हुसैन अंदर बैठा है, देखते हैं यहाँ कार। अब दूसरा मोबाइल भी लगा होगा, आए देखते हैं। बोल ही सामने लैनम गाइस, ये देखें काम वाली बच्ची कंट्रोल। भाई काल भी देखें क्या हुआ है। मैं तैयार भी हो चुका हूं। मैं तैयार हो चुका हूं। गाड़ी काल देखें, गाड़ी काल कितनी का खर्च पड़े ये देखें। और इस काल भी देखें, ये इधर भी गंद लगा हुआ है और ये भी गंद है। और हमारे पौधे जो है ना यहाँ पे पहले आती थी गाय, जो सारे के सारे गंजा कर दी इसको, तो गंजा कर दिए मैंने, क्योंकि गर्मी आने वाली है ना। अभी थोड़े से पत्ते शत्ते गिराएंगे, दरख्त हमने तभी कटवाया है। गर्मी आ रही है, गर्मी इसके लिए आ गई है ना गाय, हम सबके लिए तो नहीं ना आई है ना। ऐसे ही है ना, ऐसे है ये शौक है ना, हम शौके तो नहीं है ना, निमोनिया तो नहीं है। ब्रो ब्रो ब्रो, इसलिए मैंने अलग पहनी है ताकि मेरी आंखों में चुभे ही ना। नहीं शोकी मारने के लिए पहनी है, आपको नहीं पता इसका बहुत बड़ा शौक है। मिट्टी चेक करें गाइस, मिट्टी मैं अपने साइन करके दिखाऊंगा। इधर आए गाइस, इधर आए, इधर साइन करके दिखाता हूं। घटिया साइन, ये देखें जरा, ऐसे लग रहा है जैसे कि कचरे पे नहीं हाथ फेर रहा कोई। दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पार के रख देंगा तेन, मैं पुत्र फना कर देंगा। बंदा दा पुत्र बन। जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सैयद हुसैन 4241 जल्दी जाएं और फॉलो करें। तो गाइस अभी जो हम छत से नीचे आ चुके थे और अभी दोनों दूसरे मोबाइल पे लग चुके हैं स्नैपचैट पे। इसने शुरू किया और वो भी आ गया। अभी हुसैन कह रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे खुद बोर हो रहा हूँ। मैंने अभी जैकेट उतारी है क्योंकि मैं जो है ना मुझे सर्दी लग रही थी। मेरी जी सारे स्नैपचैट अभी हुसैन मोबाइल क्लिप बना रहे, वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया। जाने वाले पीछे सारे स्नैपचैट से वीडियो बना रहे थे, अभी भी आएगी देख। हमारी बिरयानी तैयार हो गई और हैदर साथ ही मरने लग गए। अभी इसने बिरयानी का मसाला तेज ही होता है, पता है सैन वाइट बिरयानी बनाती है तो तू बना रही थी। हाँ गजब बेइज्जती है। पापा मैं ही बना लेता, अच्छा था। जरता कम है। ये देखो इन्होंने व्हाइट बिरयानी, गाइस आपने बॉयल चावल देखे कभी बिरयानी में? चुप कर बे कुत्ते, कभी वो पहले प्लेट लेके खड़ा हुआ है, ज्यादा हो जाता है कभी बिरयानी व्हाइट हो जाती है। मां मुझे खाना, ये हमारी बड़ी बहन को तंग कर रही है। उसके बहन को चेक कर उसकी आंखों में चावल आ गए। वो रोने भी आ गया, उसे नहीं मिले, आंखों में चावल आ गए, वो रोने भी आ गया। डाल देना चेक
वो हैदर ने ट्रेन निकलवाई है अपने लिए डलवाने के लिए, लेकिन चावल डलने वाले और मेरी ईद होने वाली है। सबसे पहले मेरा डालना, कुछ कह लो। मैं क्या कहूँ, तो सारी बातें तो तुम कर रहे हो हमारी। आपको एक चीज दिखाऊं, तुमने मेरा सारा सामान का क्या हाल कर दिया। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। कमीज से खाओ, बाद में बेशक चिंगली बन जाना। निकालना कुछ नहीं है, टालना है सिर्फ। मजेदार। तो यार यहाँ पे जाना व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऐसे व्लॉग को ज्वाइन कर लेना और बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा है।